आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आजकल तो मैं स्वागत है आप सभी का नई फ्रेश वीडियो में। आज मैं यहाँ बात करने वाला हूँ हैकिंग के बारे में। हैकिंग आजकल बहुत ज्यादा हो रही है और एक जो ऐप है जूम, उसके बारे में भी काफी चीजें सुनने में आ रही है, तो उसके बारे में तो जल्दी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैं बात कर रहा था हैकिंग के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ NFC के बारे में, जो आप सभी के फोन में शायद होगा, क्योंकि अब जो फोन आ रहे हैं उसमें ज्यादातर आने लग गए फीचर, और शायद आने वाले फोन में सारों में ये फीचर्स होगा। NFC क्या है? पहले आप अगर कुछ चीज किसी को सेंड करते थे, या आप कुछ लेते थे किसी से, या कोई भी डिटेल वगैरह सेंड करते थे, तो आपको ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता था उस डिवाइस में भी और अपने डिवाइस में भी, फिर पेयर्ड होता था, फिर जाके सेंड होता था। तो NFC अलग ही चीज़ है, जिसकी वजह से आप पेमेंट भी करते हैं कहीं IDs में, और आप स्कैन करके, जैसे बारकोड वगैरह स्कैन करके आप पे कर देते हैं। तो ऐसी NFC टैप एंड गो टाइप का कुछ सिस्टम है, जो मान लीजिए आप, जैसे आपका आजकल ATM कार्ड आ रहे टैप एंड गो वाले, वैसी NFC आपके फ़ोन के अंदर होता है। आपको टैप करना है और आपकी कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपकी पेमेंट, कोई भी डिटेल्स आपकी शेयर हो सकती है उसके थ्रू, क्योंकि वो खाली पेमेंट के लिए नहीं यूज़ हो सकता। वो आपके मतलब एक तरह से एक नेटवर्क है, वो आपका सेंड करने के लिए, जैसे शेयरिट होता है, जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया, वैसी एक वो एडवांस नेटवर्क में आ जाता है अगर आप अपनी डिटेल वगैरह सेंड कर रहे हैं। पेमेंट वगैरह में भी यूज़ किया जाता है ये, मगर आपकी डिटेल वगैरह भी पर्सनल जा सकती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप टैप करेंगे तभी जाएगी। अगर आपका फ़ोन पास में है किसी ऐसे डिवाइस के, मान लीजिए कोई आपके पास से जा रहा, उसके वहाँ से भी स्कैन हो सकता है, और मान लीजिए आप कहीं अपना फ़ोन टच कर रहे हैं, वहाँ से भी आपका डेटा जा सकता है। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर अपनी लोकेशन वगैरह और अपना NFC अगर आपके फ़ोन में, ये बंद रख दीजिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी है जो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये चीज़ अगर हमारे बेनिफिट के लिए भी बनाई गई है, मगर कहीं ना कहीं हमारा नुकसान भी है। तो मैं ज़रूर ये कहूँगी, अगर आपका यूज़ नहीं है, आपकी लोकेशन वगैरह सब चीज़ें ये बंद रखे जहाँ आपकी ज़्यादा यूज़ नहीं है, NFC भी बंद रखे, ब्लूटूथ बंद रखे, क्योंकि कहीं भी जो भी चीज़ आपकी ये शेयरेबल है, मतलब जिससे आप चीज़ें ले या दे सकते हैं, उस चीज़ में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हैकर्स कहाँ हो गए आपको कुछ नहीं पता, कौन होगा आपको कुछ नहीं पता। तो जितना ज़्यादा हो सके सिक्योर रहे, और किसी पे भी जल्दी ट्रस्ट ना करें। ज़्यादातर जिनको आप जानते नहीं उन पे तो बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि कोई नहीं पता कि क्या कौन सी डिटेल्स आपके फ़ोन से निकाल ली जाए। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको सिक्योर रहना पड़ेगा इन चीज़ों को लेके। और अब हम बात करते हैं जूम ऐप की। जूम ऐप जो है, इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि जो डाटा वगैरह वो लीक, तो मैंने अभी इतना सुना नहीं, मगर वो लीक कर सकता है, क्योंकि वहाँ डाटा आपका सिक्योर नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि एक प्राइवेट नेटवर्क पे नहीं रहता वो, आपका वो डाटा जूम के थ्रू रहता है। तो जूम वो पढ़ सकता है, देख सकता है, जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। तो उसमें जो प्राइवेट मीटिंग्स है या कुछ ऐसी बातें हैं वो ना करे, वही बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए जो सेफ नेटवर्क्स है वो आपका, अगर मीटिंग करनी है आपने, जैसे कि सुनने में आया है माइक्रोसॉफ्ट टीम है, गूगल हैंगआउट्स है, और अगर आपने पर्सनल बात करनी है तो व्हाट्सएप का जो वीडियो कॉलिंग है वो सबसे बेस्ट है, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग, नहीं तो डियो, गूगल डियो। बाकी जो ये ऐप्स हैं उनसे काफ़ी बच के रहे, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बिल्कुल सिक्योर नहीं होते वो, आपका डाटा जो है वो सिक्योर नहीं होता, इनक्रिप्टेबल नहीं होते, मतलब कि आपका एक प्राइवेट में नहीं रहता, प्राइवेट नेटवर्क में नहीं रहता, आपका उस ऐप के थ्रू डाटा रहता है। तो ये चीज़ से आपको बच के रहना चाहिए कि जो हैकिंग है वो कहीं भी हो सकती है, किसके साथ भी हो सकती है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे साथ क्यों होगी। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको सिक्योर रहना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया था NFC वाला, कि अपना ब्लूटूथ जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ ऑन ना करें, अगर आप में NFC का सपोर्ट है तो वो भी बंद रखें, और अगर आप में वाईफाई वगैरह ऑन है तो वो भी, वाईफाई के थ्रू भी आपका फ़ोन हैक हो सकता है। तो ये चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें, ब्लूटूथ, लोकेशन, साथ में NFC बंद जरूर रखें, और वाईफाई भी। और एक और मेन चीज़, कई ऐप्स ऐसी भी है जो आपके जो कैमरा का है वो एक्सेस करता है बैकग्राउंड पे, तो ये जरूर ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहता कि जो गूगल डुओ है और जो बाकी एप्लीकेशन है वो आपका डाटा नहीं देखती, मगर वो ऐसा पर्सनल डाटा नहीं देखते जो आपका मतलब ज़्यादा पर्सनल, जैसे आपकी गैलरी वगैरह होगी, वो ये चीज़ें देखते हैं कि आप कितना पसंद करते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं, ये चीज़ें देख सकती है। ये नहीं देख सकते आप यूज़ किस लिए कर रहे हैं, मगर यूज़ में क्या कर रहे हैं।
तो ये चीज़ों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऐप सिक्योर है वही यूज़ करे, जो नहीं है वो यूज़ करने का इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं पता आपका डाटा क्या शेयर हो रहा है। जरूरी नहीं है आप जो बात कर रहे हो वो शेयर हो रहे हो, क्या पता आपका पर्सनल डाटा, आपका फ़ोन का डाटा भी शेयर हो रहा हो उस ऐप के थ्रू। तो कई ऐसी ऐप्स है जो मैंने पहले भी बताई है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ अपनी पुरानी वीडियो का, कई ऐसी ऐप्स है जो आपका डाटा लीक करती है आपसे बिना पूछे, आपका डाटा यूज़ करती है बिना आपसे पूछे। तो ये आपको चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि आप इन चीज़ों से कैसे बचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें जा सकते वीडियो को, ताकि लोगों को पता चले कि जो ये लॉकडाउन चल रहा है इसमें कई कंपनियां फ़ायदा भी उठा रही है अपना, और कुछ भी बेनिफिट हो सकता है उनका। तो ये चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी ऐसे फ्रॉड में ना फंसे। वैसे NFC और ब्लूटूथ वाला चक्कर तो अभी हो सकता है कि आप बाहर कहीं ज़्यादा जा नहीं रहे, फिर भी इन फ्यूचर अगर आप कहीं जाए या कोई ऐसा हो आपके पास जो आपको लग रहा हो कि नहीं, आप बिल्कुल सिक्योर रहे, अपनी जो चीज़ें मैंने बताई है वो बंद करके रखें अगर आपकी यूज़ में नहीं है, या उसको सिक्योर करके रखें अगर ब्लूटूथ ऑन कर रहे हैं, कि जब तक पेयर्ड ना हो तब तक आप कोई चीज़ ले या भेज नहीं सकते। तो आज के लिए इतने ही, अगली बार मिलेगा अच्छी वीडियो, अच्छी न्यूज़ और बातचीत। तो चलता हूँ मैं, टाटा बाय बाय सनारा, और सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। आपके पास ऐसी वीडियो आती रहेगी जिसमें आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और देखते रहे हमारा चैनल शर्मा सॉफ्ट। बाय बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में।